hello so friends welcome to Reddix. in this session we will discuss ssc speed test number 317 it's mathematics part now question number 51 a person covered 20 km distance with a speed of 5 km per hour then he covered the next 15 km with a speed of 3 km per hour and last 10 km is covered him by him with a speed of 2 km per hour find the average speed of the whole journey now formula for average speed is total distance upon total time टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज ट्वेंटी प्लस फिफ्टीन प्लस टेन अपॉन टोटल टाइम ट्वेंटी बाई फाइव देखो फर्स्ट पार्ट कवर्ड बाई स्पीड ऑफ फाइव किलोमीटर पर आर देन नेक्स्ट फिफ्टीन किलोमीटर बाई स्पीड थ्री नेक्स्ट टेन किलोमीटर बाई स्पीड टू सो दिस इज फोर्टी फाइव अपॉन दिस इज फोर फाइव फाइव दिस इज फोर्टी फाइव बाई फोर्टीन और थ्री होल थ्री बाई फोर्टीन आंसर इज ए ऑप्शन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन Now simplify this. See, this is 27 to the 54 plus 10, 64 by 27 to the power minus 2 by 3 divided by 11. 100 by 9 to the power minus 1 by 2. 0.5 we'll write as minus 1 by 2 plus 6.25 to the power 1 by 2 divided by minus 4 to the power minus 1. So this is 3 to the power. 4 to the power 3. Yeah, we can say it as 2 to the power 6 upon 3 to the power 3 to the power minus 2 by 3 divided by now multiply this and change this sign as 9 by 100 or because minus, so write it 100 by 9 to the power half. Then plus, this is 2.5, right? And into we'll write this as minus 4 to the power minus 1 or simply we'll write this as because this is. डिवाइड साइन डिवाइड को जब उल्टा करेंगे तो अपॉन में होगा अच्छा अब ये क्या हो गया देखो अगला स्टेप ये माइनस साइन इसको उल्टा कर लेते हैं थ्री की पावर थ्री इंटू टू बाई थ्री प्लस साइन हो गया इंटू यह हो गया टेन बाई थ्री प्लस ये हो गया टू पॉइंट फाइव इंटू माइनस फोर दिस इज थ्री टू जी सो दिस इज नाइन बाई टू टू दू टेन बाई थ्री दिस इज 3 and 5 plus minus this is 10. So finally, we have 15 by 2. So this is 16, 2 to the power 4, 16, or it is 8 minus 10. So it is minus 65 by 8, or 8 whole 1 by 8, A option. Okay, next question. इफ ए एक्स प्लस बीवाई इज इक्वल थ्री एंड बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल फोर एंड गिविंग दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल वन देन वैल्यू ऑफ ओके देखो इन दोनों का स्क्वायर करके एड कर दो सो so ये हो गया ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस टू ए बी एक्स वाई इज इक्वल नाइन इधर हो गया बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस टू ए बी एक्स वाई इज इक्वल सिक्सटीन इनको एड करो ये कैंसिल हो जाएगा दिस इज ए स्क्वायर एक्स स्क्सर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल ट्वेंटी से और इसमें से आप ए स्क्वायर कॉमन लो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर और इसमें से बी स्क्वायर कॉमन लो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल वन इज ट्वेंटी वन दिया हुआ है स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज थ्री किलोमीटर पर आर एंड द स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वॉटर इज फाइव द टाइम टेकन बाई द मैन टू स्विम ट्वेंटी डाउन देखो डाउन स्ट्रीम ट्वेंटी डाउन स्ट्रीम में ये स्पीड एड हो जाएंगी एट थर्टीन बाई फोर और थ्री होल वन बाई फोर बी ऑप्शन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इफ अ सॉलिड कोन ऑफ वॉल्यूम ट्वेंटी सेवन पॉइंट सेंटीमीटर क्यूब कैप्ड इन साइड होलो सिलेंडर हुज रेडियस एंड हाइट आर दैट ऑफ द कोन दॉल्यूम ऑफ वॉटर नीड्यूड टू फिल द एम टी स्पेस इफ ए सॉलिड कोन ऑफ वॉल्यूम दिस इज कैप्ट इन साइड ए हॉलो सिलेंडर को हमारे पास एक हॉलो सिलेंडर इसमें हमने कोन रखा है और गिवन है कि हाइट है जो कोन की हाइट और कोन का रेडियस सिलेंडर की हाइट रेडियस के बराबर है इसकी रेडियस आर मान लो हाइट मान लो एच सो so, आपको गिवेन है वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल ट्वेंटी सेवन पाई 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 कैंसिल आर स्क्वायर एच कितना हो गया एट्टी Now, empty space, ये जो हिस्सा बचा एम टी तो इसका देखो क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच माइनस वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायर एच ये एल्सियम कितना आ गया थ्री तो टू पाई आर स्क्वायर एच बाई थ्री दिस इज वॉट एम टी स्पेस और आर स्क्वायर एच की वैल्यू कितनी एट्टी वन सो दिस इज टू पाई इंटू एन बाई थ्री दिस इज फिफ्टी फोर पाई सेंटीमीटर क्यूब दिस इज द एम टी स्पेस और वॉल्यूम ऑफ वॉटर फिल द एम टी स्पेस आंसर इज सी ऑप्शन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ओके कॉस स्क्वायर जीरो प्लस कॉस स्क्वायर थ्री प्लस कॉस स्क्वायर सिक्स अपटू सोवन कॉस स्क्वायर नाइनटी देखो आप एक चीज नोटिस करो यहां पर थ्री थ्री का टेबल चल रहा है इससे पहले कॉस स्क्वायर एट्टी सेवन होगा तो देखो कॉस स्क्वायर एट्टी सेवन और कॉस स्क्वायर थ्री क्या बनेगा एक रूल होता है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई वुड बी वन इफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल नाइनटी तो ये तो वन हो जाएगा अब आपको ध्यान रखना कॉस स्क्वायर नाइन्टी जीरो होता है कॉस जीरो वन होता है तो वन और जीरो इसको आप छोड़ दो बल्कि ये जो वैल्यू ये भी तो आपको क्या देंगी सब नाइनटी है इसका भी आंसर वन हो गया तो हम क्या करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स कितने जीरो थ्री सिक्स अपटू सोन नाइन्टी इसका रूल होता है नंबर ऑफ टर्म्स बाई टू दिस इज द आंसर तो हम देखेंगे जीरो थ्री सिक्स नाइन्टी तक कितनी टर्म्स है तो हम यूज करेंगे टी एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी tn 90 first term 0 n 1 common difference 3 so n 1 is equal 30 n is equal 31 so answer would be 31 by 2 or 15.5 answer is b option okay next question in the figure given angle abc this is 45 then angle cdt okay this is 30 right now because दिस इज फोर्टी फाइव और ए बी सी डी इज ए साइक्लिक दिस वुड बी वन थर्टी फाइव सो अब ये एंगल मान लेते हैं एक्स तो थर्टी प्लस वन थर्टी फाइव प्लस एक्स वु क्योंकि टी डी टी इज ए स्टेट लाइन सो दिस इज एक्स इज इक्वल वन एट्टी माइनस फाइव माइनस थर्टी और फिफ्टीन डिग्री आंसर इज ए ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन टॉम टू वर्कर ए एंड बी वर्किंग टुगेदर टू कंप्लीट अ जॉब इन फाइव डेज ए और बी किसी काम को फाइव डेज में करते हैं इफ ए वर्क ट्वाइस एज एफिशियंटली एजुअलटली एज एज द एक्चुअली डिड द वर्क वुड हैव बीन एक्चुअल थ्री डेज ओके आप एक काम करो यहां एल्सिम लो वन ये हो गई इनकी सिंगल यूनिट अच्छा अब बोला है, अगर इफ ए वर्क ट्वाइस एज एफिशियंटली मतलब अगर वो पर डे ए यूनिट कर रहा है अब ये टू ए यूनिट कर रहा है प्लस एंड बी वर्क वन बाई थ्री वन बाई थ्री बी अब ये काम कितने दिन में खत्म हुआ है थ्री डेज में इसका मतलब फाइव बाई थ्री दिस इज वॉट एफिशियम तो थ्री ले लो, सिक्स ए प्लस बी इज इक्वल फाइव ना ए प्लस बी इज इक्वल वन दिया है सॉल्व so, कर लो माइनस 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 कैंसिल हो गया फाइव ए इज इक्वल फोर ए कितना आ गया फोर बाई फाइव और ए प्लस बी वन है तो बी कितना आ गया वन बाई फाइव मेनी डेज ए वुड ओके ए के लिए पूछा ए कर रहा है पर डे फोर बाई फाइव यूनिट करना है फाइव सो आंसर वुड बी फाइव बाई फोर बाई फाइव और ट्वेंटी फाइव बाई फोर और सिक्स होल वन बाई फोर डेज आंसर इज बी ऑप्शन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इन द गिविन फिगर ए बी सी डी इज रेक्टेंगल पी एंड क्यू ओके दिस इज मिड पॉइंट दिस इज मिड पॉइंट ऑफ साइड सी डी एंड बी सी द रेशियो ऑफ एरिया एरिया ऑफ रेशियो ऑफ एरिया शेडेड एरिया ऑफ अनशेडेड एरिया ओके सो देखो अगर ये मिड पॉइंट मान लेते हैं, ये साइड टू एक्स है ये साइड टू वाई है तो ये x हो गया ये भी x हो गया ये y हो गया ये भी y हो गया ये 2x हो गया और ये 2y हो गया नो वी हैव टू कैलकुलेट शेडेड शेडेड का एरिया नो शेडेड एरिया देखो ये एक ट्राइंगल है जिसका साइड है हाफ टू एक्स इंटू वाई प्लस दूसरा ट्राइंगल हाफ एक्स वाई प्लस थर्ड ट्राइंगल हाफ टू एक्स इंटू वाई अपॉन अब हम लेंगे अनशेडेड तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं देखो ये हो गया टू टू कैंसिल हो गया ये हो गया टू टू कैंसिल सो दिस इज एक्स वाई प्लस हाफ एक्स वाई प्लस हाफ एक्स एक्स वाई सो दिस इज टू एक्स वाई प्लस हाफ एक्स वाई और फाइनली वी राइट इट एज फाइव एक्स वाई बाई टू ये तो हो गया शेडेड अब अनशेडेड कैसे निकालेंगे अनशेडेड के लिए हम अगर टोटल रेक्टेंगल में से शेडेड माइनस कर दें टोटल रेक्टेंगल टू एक्स इंटू टू वाई माइनस अनशेडेड फाइव एक्स वाई माइनस शेडेड कर दिया मतलब तो आ गया फोर एक्स वाई माइनस फाइव एक्स वाई बाई टू तो ये आ गया थ्री एक्स वाई बाई टू तो रेशियो ऑफ शेडेड अपॉन अनशेडेड दिस इज फाइव एक्स वाई अपॉन टू और होल अपॉन थ्री एक्स वाई बाई टू सो दिस एक्स वाई बाई टू कैंसिल आंसर इज फाइव बाई थ्री सी ऑप्शन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द रेडियस ऑफ टू सर्कुलर 5 फाइव एंड ट्वेल्व द एरिया ऑफ थर्ड सर्कल इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द एरिया ऑफ द टू सर्कल द रेडियस ऑफ द थर्ड सर्कल देखो रेडियस ऑफ टू सर्कल आर फाइव एंड ट्वेल्व एरिया ऑफ थर्ड सर्कल इज इक्वल टू दरिया ऑफ थर्ड सर्किल उसकी रेडियस आर है दरिया ऑफ थर्ड सर्कल इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ द एरिया पाई ट्वेल्व स्क्वायर माइनस पाई फाइव स्क्वायर सो पाई कैंसिल हो गया आर स्क्वायर वुड बी वन फोर्टीस ट्वेंटी आंसर इज ए ऑप्शन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फोर डिजिट विच वेन डिवाइडेड बाय थ्री फाइव सेवन नाइन लिविंग रिमाइंडर वन थ्री फाइव सेवन देखो इसका तरीका यह है कि आप नाइन थ्री से डिवाइड करो रिमाइंडर वन दे रहा है इसका मतलब इसके डिजिट को सम करो नाइन प्लस सेवन प्लस सिक्स प्लस थ्री ये थ्री से डिवाइड वन दे रहा है ये हो सकता है नाइन प्लस सेवन सिक्सटीन ट्वेंटी टू ट्वेंटी सिक्स जब ये थ्री से डिवाइड करो ट्वेंटी सिक्स तो रिमाइंडर टू आ रहा है ये नहीं हो सकता यहां पर यह हो सकता है क्योंकि इसको सम करने पर सम करने के बाद डिजिट को सम करने के बाद थ्री से डिवाइड करने में रिमाइंडर वन आ सकता है जब इसको देखते हैं तो यह थ्री से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है यह नहीं हो सकता तो बचे दो ऑप्शन अब हम देखते हैं फाइव से डिवाइड करने पर यह फाइव से डिवाइड करने में रिमाइंडर थ्री नहीं दे रहा आंसर इज ओनली ए ऑप्शन ओके बाकी आप फॉर्मल लगाओ लॉजिकल करोगे तो आंसर आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ ए टीट आर फ्रॉम थ्री पॉइंट इन स्ट्रेट लाइन थ्रू द फुट ऑफ द टार्फा टू एल्फा थ्री एल्फा इफ ए बी इज एक्स देन द हाइट ऑफ द टार देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ऐसा कुछ दिया एल्फा थ्री एल्फा एंड टू एल्फा दिस इज थ्री एल्फा दिस इज टू एल्फा एंड दिस इज एल्फा और आपको बोला हुआ तीन पॉइंट है दिस इज ए दिस इज बी एंड दिस इज सी मान लेते ये एच हाइट है जो टार की हाइट है दिस इज डी ई राइट आपको बोला ए बी दिस इज एक्स नाउ बिकॉज दिस इज टू अल्फा दिस वुड बी अल्फा क्योंकि देखो ये एक्सटीरियर एंगल है अब ये एक्स तो ये भी एक्स हो जाए नाउ देखो यहां पर अगर मैं इस स्टैंगल बात डीईसी ये एक्स समझ में आया कैसे हुआ एक्सटीरियर एंगल लॉजिक से तो साइन टू अल्फा इज इक्वल एच अपॉन एक्स सो एच वुड बी एक्स साइन टू अल्फा आंसर इज बी ऑप्शन राइट दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड टू सॉल्व क्वेश्चन लाइक दिस नेक्स्ट क्वेश्चन if ऑफ population टाउन a town is 64000 एंड इट्स annual इंक्रीज इज 10 परसेंट दैन इट एक्स पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ थ्री इय तो देखो तीन साल वन 1.1 1.1 वन पॉइंट इंटू वन पॉइंट वन तीन डेसीमल तीन जीरो कैंसिल हो गए आखिरी में देखो फोर आएगा तो ये आंसर हो सकता है बस केवल यही हो सकता है आखिरी में फोर आ रहा है देखो यहां पर फोर है फोर इंटू वन इंटू वन इंटू वन हमेशा फोर देगा तो आंसर हो गया बी कुछ भी नहीं करना इस क्वेश्चन में केवल आपको देखना क्या आंसर हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन ले पोर्शन ऑफ द स्टेट लाइन एट एक्स प्लस फिफ्टीन वाई प्लस इज इक्वल वन ट्वेंटी इंटरसेप्टिटीन द एक्सेस तो देखो यार ये आपका इसको मैं वन ट्वेंटी दिला रहा हूं एक्स अपॉन फिफ्टीन प्लस वाई अपॉन एट इज इक्वल वन तो इसका ये हिस्सा हो गया फिफ्टीन ही हो गया एट तो ये कितना होगा सेवनटीन पाइथोग ऐसे करो जल्दी हो जाएगा वो फॉर्मूला पड़ा ना आपने एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल वन यहां पर एक्स का कोफिशियंट होता है ए और वाई का जो डिवाइड है वो y का इंटरसेप्ट है x इंटरसेप्ट हो गया a y इंटरसेप्ट हो गया b ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट राइट सर्कुलर सिलेंडर विच कैन बी कट आउट ऑफ अ क्यूब ईच एज ऑफ देखो अगर हमारे पास एक क्यूब है जिसकी साइड है 14 आपको बोला कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट राइट सर्कुलर सिलेंडर जो अगर हम लार्जेस्ट की बात करें तो उसकी रेडियस हो जाएगी सेवन क्योंकि ये फोर्टीन साइड है और हाइट हो जाएगी

देखो यहां पे टू है यहां पर टू मतलब फोर से एक बार जाएगा मतलब फोर का मल्टीपल होगा ये नंबर फोर का मल्टीपल फोर्टी सिक्स फोर का मल्टीपल नहीं है अब बी और सी हो सकता है अच्छा इसमें एक प्रॉब्लम है कि न। तो अब वो है कि आप मल्टीप्लाई कर लो और एक तरीका इलेवन का मल्टीपल देखो ये इलेवन का मल्टीपल है ये नहीं है आंसर इज सी ऑप्शन ठीक है मैंने इलेवन का मल्टीपल चेक कर लिया ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ओके अल्फा 45 दिया वी हैव टू कैलकुलेट टू साइन एल्फा माइनस फोर्टी फाइव प्लस साइन एल्फा प्लस फोर्टी फाइव प्लस फाइव कॉस टू एल्फा इंटू साइन वन थर्टी फाइव माइनस एल्फा नल्फा फोर्टी फाइव करो जीरो हो गया साइन नाइन्टी ये हो गया फाइव कॉस नाइन्टी एंड साइन नाइन्टी देखो कॉस नाइनटी जीरो होता है ये जीरो हो गया आंसर इज वन बी ऑप्शन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ओ इज द सेंटर ऑफ सर्किल ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल एसियन बी डी आर टू कॉर्ड सर्कल इंटर इच पी ओके देखते डायग्राम देख लेते हैं नो हमको दिया हुआ है ए सी ए कॉर्ड है दिस इज एसी कॉर्ड. और एक कॉर्ड है आपकी बी डी दिस इज बी डी कॉड एंड ओ इज एट सेंटर नो नाउ दे आर इंटरसेक्टिंग एट पी आपको दिया हुआ है बी ओके दिस एंगल इज गिवन एज 15 एंड APB इज दिस इज 30. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट टेन स्क्वायर एंगल APB प्लस कॉट स्क्वायर एंगल COD. डी तो देखो तो APB थर्टी है है ना तो ये तो जाएगा टेन थर्टी और वो था वन बाई थ्री बाई रूट थ्री स्क्वायर करोगे अच्छा अब हम देखते हैं कॉट स्क्वायर एंगल सीओडी नो सी एंगल निकालना है सीओडी ओके okay, इसको ज्वाइन कर दो और इसको ज्वाइन कर दो और एक काम यहां भी ज्वाइन कर देते हैं देखो ये फिफ्टीन तो कितना होगा सेवन पॉइंट फाइव और अगर ये सेवन पॉइंट फाइव थर्टी तो कितना होगा ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव और देखो यहां से सर में ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव तो कितना होगा फोर्टी फाइव इसका मतलब सीओडी हो गया फोर्टी फाइव तो दिस इज वन बाई थ्री और कॉट फोर्टी फाइव वन होता है स्क्वायर वन सो आंसर इज फोर बाई थ्री सी ऑप्शन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द टोटल वैल्यू ऑफ ए कलेक्शन ऑफ कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन रुपीज वन रुपीज वन पैसा फिफ्टी पैसा ट्वेंटी फाइव पैसा टेन एंड पैसा फाइव इज थ्री एट्टी नंबर ऑफ कॉन्न ऑफ ईच द सेम देन द नंबर ऑफ वन रुपी देखो बहुत इंपॉर्टेंट कॉइन सेम है मान लें सब कॉइन एक्स है तो ये एक्स हो गया इसका अमाउंट हो गया एक्स रूपी ये भी कॉइन एक्स इसका अमाउंट हो गया एक्स बाई टू क्योंकि देखो पचास पैसे में रुपया बनाना तो आपको हाफ करना पड़ेगा दिस इज एक्स बाई फोर दिस इज एक्स बाई टेन एंड दिस इज एक्स बाई ट्वेंटी और इन सब सम कितना थ्री एट्टी तो देखो यहां से एलसम कितना गया ट्वेंटी ट्वेंटी एक्स प्लस आपको पूछा गया नंबर वन ओके एक्स पूछा है ज टेन एक्स दिस इज फाइव एक्स दिस इज टू एक्स प्लस एक्स इज इक्वल थ्री एट्टी दिस सम इज थर्टी एट एक्स इज इक्वल थ्री एट्टी इंटू ट्वेंटी तो ये हो जाएगा कितना एक्स वुड बी टू हंड्रेड आंसर इज सी ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन अम ऑफ मनी डबल इज सेल्फ इन फोर इयर्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट इट विल अमाउंट टू एट टाइम्स इट सेल्फ एट द सेम रेट ऑफ देखो कंपाउंड इंटरेस्ट से डबल होती है टू टाइम्स इन फोर ईयर्स तो आपको बोला एट टाइम्स एट क्या होता है टू की पावर थ्री तो ये थ्री से मल्टीप्लाई कर लो थ्री फोर जॉ ट्वेल्व बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है मैंने कई बार डिस्कस किया अपनी में ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अजार फुल ऑफ मिल्क कंटेन फोर्टी परसेंट अ पार्ट ऑफ दिस मिल्क इज रिप्लेस बाय अनदर मिक्सचर कंटेनिंग नाइनटी परसेंट वॉटर एन न्यू परसेंट ऑफ वाटर इज फाउंड टू बी ट्वेंटी सिक्स देन क्वांटिटी ऑफ मिल्क रिप्लेस ओके मान लेते हैं हमने वाई पार्ट निकाला तो एक्स माइनस वाई और वाई हमने एक्स माइनस वाई क्योंकि शुरू में एक्स था हमने उसमें से वाई रिप्लेस कर दिया तो इसका मतलब रिप्लेसमेंट हमने किया वाई आउट ऑफ एक्स मुझको ये निकालना है और इस वाले मिक्सचर का वाटर कंटेंट फोर्टी था अच्छा और हमने मिलाया क्या परसेंट वाटर और मिलकर तो सॉल्व करो इसको x माइनस वाई अपॉन वाई अच्छा ये जो मैंने रूल बताया ये मैंने एलिगेशन डिस्कस किया हुआ बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टाइम लगता है इसको पूरा डिस्कस करने में तो मैंने आपको सीधे ये लाइन लिखना सिखा आपको सीखना पड़ेगा ये डिफरेंस कितना हो गया सेवन और ये डिफरेंस कितना हो गया फोर्टीन दिस इज टू एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल वाई टू एक्स इज इक्वल थ्री वाई सो वाई अपॉन एक्स वुड बी टू बाई थ्री आंसर इज ए ऑप्शन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ओके साइन ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल कॉस ए प्लस सी माइनस बी इज इक्वल टेन बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल वन तो देखो साइन वन कहां पर होता है नाइनटी पर तो ए प्लस बी माइनस सी हो गया नाइन्टी डिग्री कॉस जीरो पर सो ए प्लस सी माइनस बी हो गया जीरो और टेन बी प्लस सी माइनस ए कितना हो गया फोर्टी फाइव इन सबको ऐड कर लो तो देखो ए एक बार कट जाएगा बी एक बार कटेगा सी एक बार कट जाएगा तो ठीक है हमको निकालना है क्या ए निकालना है तो देखो मैं क्या करूंगा जहां पर भी आपके पास यहां से आ गया ए प्लस सी बराबर बी तो आप ए प्लस सी की जगह बी रख दो पर ये कंडीशन आ गई ना ए प्लस सी तो ये हो जाएगा टू बी इज इक्वल वन थर्टी फाइव तो बी कितना आ गया ट्वेंटी सिक्सटी सेवन पॉइंट फाइव ठीक है तो ए प्लस सी कितना हो गया सिक्सटी सेवन पॉइंट फाइव और यहां पर हम बी की वैल्यू रख रहे हैं सिक्सटी सेवन पॉइंट फाइव तो यहां से हो जाएगा ए माइनस सी बराबर जब ये सिक्सटी सेवन पॉइंट फाइव इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 22.5 इनको ऐड कर दो ये कैंसिल हो गया तो 2a ए इज इक्वल नाइनटी ए वुड बी फोर्टी फाइव आंसर इज क्वेश्चन नाउ ये पाई चार्ट है देर आर सेवन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टायर मैन्युफेक्चर बाय ए फैक्ट्री द पाई चार्ट शोज द परसेंट ऑफ सेल्स ऑफ द टाइप इन सिटी इन टू कंजिव मंथ अक्टूबर द टोटल नंबर ऑफ टाइप बी टायर अक्टूबर फिफ्थ अच्छा टाइप बी का सेप्टेंबर में फिफ्टीन सिक्सटी और अक्टूबर में ट्वेंटी टू फिफ्टी क्वेश्चन में कई सारी फिगर्स है तो आप जो क्वेश्चन दिया उससे स्टार्ट करते हैं वट इज द मैक्म डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ टायर्स ऑफ एनी टू टायर टाइप सोल्ड टेकन टूगेदर फॉर अबर डेट ऑफ द अदर टू टाइप सोल्ड फॉर अक्टूबर ओके सो इन दिस केस वट इज द मैक्म देखो ध्यान समझना मैक्म डिफरेंस पूछा हुआ है बिटवीन द नंबर ऑफ टायर्स ऑफ एनी टू टाइप सोल्ड टेकन टूगेदर फॉर सेप्टेबर एंड ऑफ अदर टू टाइप होल्ड ऑन अक्टूबर देखो पहली बात तो ये जो वन फाइव सिक्स जीरो दिया है किसका दिया है बी का तो सेप्टेंबर में बी का कितना था तेरह परसेंट no, 13% थर्टीन परसेंट इज इक्वल वन फाइव सिक्स जीरो दिस इज फॉर सेप्टेंबर सो हंड्रेड परसेंट वुड बी ट्वेल्व थाउजेंड इसका मतलब हमने सबका निकाल लिया इसमें टोटल ट्वेल्व थाउजेंड हुआ अब हम देखते हैं अक्टूबर में बी है फिफ्टीन फिफ्टीन परसेंट इज इक्वल टू टू फाइव जीरो सो हंड्रेड परसेंट वुड बी फिफ्टीन थाउजेंड अब हमको पूछा मैक्सिमम तो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है जो सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है तो इसकी हाइयर ले लो और इसके लिए डिफरेंस तो तो मतलब चाहिए तो इसको ले लो, maximum, इसको ले लो, minimum, हो जाएगा पच्चीस और बीस फोर्टी फाइव परसेंट निकालो मैक्सिमम डिफरेंस के लिए ये कितना हो जाएगा? जब हम इसको सॉल्व करेंगे सिक्स सेवन फाइव जीरो ज फॉर टू टायर सी एनडी ना इसके लिए हम क्या लेंगे मिनिमम के लिए हम लेंगे सबसे कम वाला थ्री परसेंट और एट परसेंट मतलब इलेवन परसेंट सो इसका इलेवन परसेंट कितना हो जाएगा वन थ्री टू जीरो इंटू ट्वेल्व ओके इनका डिफरेंस कितना वन थ्री टू जीरो दिस इज थ्री फोर फाइव फोर थ्री जीरो आंसर इज बी ऑप्शन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टायर देर इज एंड अब्सोलूट डिक्रीज इन द नंबर ऑफ सोल्ड इन अक्टूबर ओवर सेप्टेंबर देखो अब आप देखो किस किस हुआ है एफ uh, में बड़ा है जी में बराबर रहा है ए में इंक्रीज हुआ है बी में इंक्रीज हुआ है सी में इंक्रीज हुआ है डी में डिक्रीज हुआ है और ई e में भी डिक्रीज हुआ है तो आंसर क्या हो गया दो वैल्यूज हैं अच्छा हमको एक बात समझेंगे इसमें डिक्रीज इन द नंबर ऑफ सोल्ड तो हमने अभी चेक किया था ये बारह हजार आया था ये पंद्रह हजार आया था अब हम नंबर में देख लो बस देखो यहां पर ई e और डी के लिए आ गया सेवेंटीन ऑफ ट्वेल्व कितना होगा 120 और इधर ई के लिए 10% 1500 ठीक है ये कितना होगा ये डिग्रीज हुआ है अच्छा डी में देखो 25% और 12000 कितना होगा 4000 और 20% होगा कितना दिस इज 3000 25% ऑफ 12000 वुड बी 3000 एंड 20 15, 3, तो इस केस में बराबर है। तो आंसर केवल होगा बी ऑप्शन देखो ध्यान रखना क्योंकि हमको नंबर परसेंटेज में, नहीं में तो, आप करके तब निकालोगे. तो केवल एक वैल्यू में डिक्रीज हो रहा है टोटल सेल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टायर ना द टोटल टाइप्स ऑफ टायर इन इक्वल टू एफ टाइप ऑफ टायर देखो एफ में है सेप्टेम्बर में थर्टीन परसेंट थर्टीन परसेंट ऑफ फिफ्टीन थाउजेंड दिस इज वन नाइन फाइव जीरो वन नाइन फाइव जीरो आएगा तो ए और सी दिया हुआ है ए और सी अप्रोक्सीमेट पूछा हुआ ए और सी का कितना है तीन और ट्वेंटी फाइव परसेंट तो ट्वेंटी फाइव परसेंट और ट्वेल्व थाउजेंड थ्री थाउजेंड का ये तो नहीं हो सकता है ना अब हम देखते हैं सी एन ई सी ई देखो 25 परसेंट ज्यादा हो गया तो सी एन ई नहीं हो सकता बी एनडी मतलब 25 से कम होना चाहिए बी डी ये भी ज्यादा हो गया ए एन बी ए एंड बी 16 परसेंट हाँ यह पॉसिबल है आंसर इज डी ऑप्शन ठीक है ना एक लॉजिक समझ लिया कि भाई किसेंट ज्यादा हो रहा है तो अब उससे कम ही होना चाहिए केवल एक ऑप्शन है वॉट यूर डिफरेंट इन टोटल सेल्स बिटवीन सेप्टर अक्टूबर इन रिस्पेक्ट टू ओनली टाइप ऑनली एन इंक्रीज इन सेल ओके अच्छा अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है हमने एक चीज नोटिस की डी में और डी में बराबर हासिल और ई e में भी डिक्रीज हुआ तो इसका मतलब हम बाकी को डी और ई e को छोड़ देंगे ठीक है तो इधर देखो बाकी छोड़ के ये हो गया ट्वेंटी और ये हो गया थर्टी फाइव फिफ्टी फाइव फिफ्टी एट परसेंट ऑफ ट्वेल्व थाउजेंड राइट और ये कितना हो गया टेन ट्वेंटी छोड़ दो थर्टी सेवेंटी परसेंट राइट ऑफ फिफ्टीन थाउजेंड इनका डिफरेंस चाहिए हमको तो देखो ये दो जीरो काट जाएगा वन जीरो फाइव जीरो जीरो ठीक है और यहाँ पर टू जीरो काट दो जीरो सिक्स नाइन इनका डिफरेंस सिक्स नाइन सिक्स जीरो जीरो फोर फाइव थ्री थ्री फाइव फोर जीरो आंसर इज बी ऑप्शन ओके सो थोड़ा टफ था यह सेट लेकिन इंपॉर्टेंट था Okay.